सुशील मोदी जी व्याकुल भारत व्याकुल हैं। सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी के अंदर एक एजेंट अपॉइंट किया था, वो एजेंट पकड़ा गया तो अभी बेचारे रोड पर हैं। अब उनको तो बीजेपी ज्वाइन नहीं करा रहा है, कम से कम उनको भी तो ज्वाइन करा लेता भाई, उनका यूज किए हो तो यूज करके थ्रो काहे कर रहे हो। बिहार में एनडीए टूटने के बाद लगातार सुशील मोदी महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है। सुशील मोदी का लगातार जो है बयान सामने निकल के आ रहा है, तो वहीं बीते दिनों गोपालगंज में सुशील मोदी का यह बयान आया कि आने वाले दिनों में जो है राजद और जदयू का विलय होगा, जिसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ललन सिंह से जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि ऐसा सुशील मोदी बोल रहे हैं, तो सुशील मोदी को लेकर जो है ललन सिंह ने यह साफ कहा कि वो व्याकुल हो गए हैं, व्याकुल भारत हो गए हैं, इसीलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो वहीं बता दें आपको कि बीजेपी ने जो है अपना एजेंट भेजा था हमारे पार्टी में और सीधा सीधा आरसीपी सिंह पर निशाना साधते उन्होंने साफ कहा कि उस एजेंट को हमने बाहर कर दिया, और जिसके बाद यूज करके जो है बीजेपी आरसीपी सिंह को अभी तक अपने पार्टी में शामिल नहीं कराई है। तो वहीं चिराग पासवान को लेकर ललन सिंह ने साफ कह दिया कि चिराग पासवान जो है वो पहले से थे और अभी भी साथ में हैं। तो वहीं बता दें आपको कि ललन सिंह ने जो है खूब बीजेपी पर तंज कसा और तमाम बातें कह दी है। क्या कुछ कहने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो सुने आप लोग। शुरू करिए। सर मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाएगा, ये कगार पर पार्टी आने वाली है, जेडीयू बड़ी टूट होगी। देखिए, पहले से भी हम कह रहे हैं आप लोगों को और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सुशील मोदी जी व्याकुल हैं। सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी के अंदर एक एजेंट अपॉइंट किया था, वो एजेंट पकड़ा गया तो अभी बेचारे रोड पर हैं। अब उनको तो बीजेपी ज्वाइन नहीं करा रहा है, कम से कम उनको भी तो ज्वाइन करा लेता भाई, उनका यूज किए हो तो यूज करके थ्रो काहे कर रहे हो। हम लोग सुने कि बहुत दिन से कोशिश में है लेकिन उनको ज्वाइन नहीं करा रहा। लेकिन सुशील मोदी जी दिल्ली के भाग से सिक्का नहीं टूटता है, आप चिंता न करें। जो बिहार में महागठबंधन नीतीश कुमार जी ने बनाया है वह अटूट है और अटूट रहेगा। आप सिक्का टूटने का इंतजार करते रहिए ताकि उसका दही का जो छाली होता है उसको खा सकिए, कुछ नहीं मिलेगा। 6 तारीख को पता चल जाएगा कि आप कहां सरजमीन पर खड़े। बीजेपी कह रही है कि उससे आपको क्या मतलब है, वो रिट कोई दायर किया तो कानूनी प्रक्रिया है ना भाई, तो कानून उसको 40 साल से नेताओं को आगे लाने के बाद अब चिराग पासवान को जो आगे ला रहे हैं, इसे कैसे? अब चिराग पासवान जी के बारे में तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान जी को यूज किया, जिस तरह हमारे पार्टी में एक एजेंट को यूज कर रहे थे उसी तरह चिराग पासवान जी की पार्टी को यूज किया, और वो अंदर से सब दिन से बीजेपी से मिले हुए थे। और जब बीजेपी से सब दिन से मिले हुए थे, आप सत्ता पर आ गया तो इसमें कोई नई बात है? ये सब कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी बात है। लेकिन चिराग जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमको बच्चा ना समझे। अरे आप सबका बात का जवाब देते रहे, आप अपना जवाब। बीजेपी के कहने से तो नहीं ना होगा, बीजेपी तो जरा 2020 का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए। 2020 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की विधानसभा में चुनाव में 42 आम सभा किया था और सीटें मिली 53, और उनके जो नंबर 2 के नेता हैं गृह मंत्री जी, उन्होंने भविष्यवाणी किया था यहाँ कि जिस दिन गिनती होगी कितना बजे नीतीश कुमार जी राजभवन जाएंगे, कितना बजे नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे और कितना बजे दिल्ली के भाग से सीका टिकट टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी का शपथ ग्रहण होगा। आ गिनती जब हुआ तो ऐसा बिल में घुस गया कि फिर कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं, तो इसलिए उनको बोलना है और वो बोलते रहेंगे
छह तारीख का इंतजार करिए। संजय जायसवाल की इसका परिणाम आने वाले सियासत को प्रभावित कर सकता है, इस सियासत को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा ये भविष्यवाणी हम लोग भाजपाइयों की तरह नहीं करते, लेकिन यह संकेत जरूर देगा कि बिहार की जनता ने क्या मन बना लिया। जदयू में सब कुछ ठीक है, जदयू एकजुट है। जदयू कहाँ दिख रहा है, कहीं दिखा है क्या? नहीं नहीं कहीं, अरे छोड़िए ना भाजपा, भाजपा तो पता तो दिए कि बिल्ली के भाग से सिक्का नहीं टूटता है। हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देते हैं। जिस तरह से डिप्टी सीएम होकर के पीछे घूम रहे हैं, आप एक आप संजय जायसवाल जी जैसे लोगों के ऊपर हम कोई जवाब नहीं देना चाहते। संजय जायसवाल उसके लायक भी नहीं है, वो आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, वो आरजेडी से चुनाव लड़े हुए, अब उन पर हम क्या बोले? जिस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष चुने हैं, प्रखंड अध्यक्ष का क्या हैसियत होता है? आरजेडी से चुनाव लड़े हुए हैं, उसमें भी जमानत जब्त कराए हुए हैं, तो बड़ा भारी नेता भी बने हुए बने रहे, उनके बात के कोई जवाब नहीं। तो आपने सुना जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, जिस तरीके से सुशील मोदी यह बयान दे रहे कि आने वाले दिनों में राजद और जदयू का विलय हो जाएगा, तो जिसको लेकर ललन सिंह ने साफ कह दिया है कि सुशील मोदी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो व्याकुल हो गए हैं और व्याकुल भारत है वो। तो वहीं बता दें आपको कि लगातार सुशील मोदी का यह बयान आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो है राजद और जदयू जो है उसका विलय होगा। तो वहीं बता दें आपको कि ललन सिंह ने यह साफ कह दिया है कि आने वाले बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर जब रिजल्ट आएगा तो 6 तारीख को पता चल जाएगा, जनता जान गई है और जनता सिखा देगी बीजेपी वाले को। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे ललन सिंह आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।